क्योंकि खराब पानी यहाँ बुरी तरह कोई आइडिया ही नहीं है रहा बैंड बजने वाला 2000 से जानना पड़ेगा बैग कितना अबे फक आज का जो मौसम है वो थोड़ा है सुरीला थोड़ा रंगीन और साथ ही वाइब्स भी मैच हो रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना दूसरे शहर जाए कि लिया हमने अपना बैग किया पैक सारा इक्विपमेंट और चल पड़े दूसरे शहर की ओर। भैया हम आए थे जगदलपुर, वो तो हम वीडियो में बता ही चुके हैं, तो किस लिए आए थे ये भी बता देते। हम आए थे कॉलेज से काम से, तो मेरा लिस्ट तो आया नहीं, अब वेटिंग में हूँ तो थोड़ा और ही वेट कर लेते हैं। तो फिर सोच विचार करके हमने थोड़ा सोचा और कुछ दूर में ही तामड़ गुमरक नाम का एक जगह है, तो क्यों ना वहाँ जाके देख लें। अपना जो टाइम है वो भी गुजारा हो जाएगा और साथ में जो ये कार्यक्रम है वीलॉग का वो भी हो जाएगा। खराब रास्ते हंसते खेलते और उठते बैठते हम पहुंच गए तामड़ कुबर और हुआ कुछ हमारे साथ ऐसा। प्रतीक ढाली, क्या ब्लॉगिंग करते हो? हाँ ब्लॉगिंग। कितने सब्सक्राइबर हैं अभी? स्टार्टिंग है। हमें मिलते हैं वहाँ कुछ लोग जिसका हमें कोई उम्मीद ही नहीं था। तो भैया बहुत सफर के बाद हम आए हैं तामड़ घूमर और ये आपको दिख रहा है पानी। अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे, नहीं नहीं कूदने वाले नहीं है, बाय रोड जाएंगे, आई मीन ट्रैक करते हुए। से आए और यहाँ आकर हम टाइम लैप्स ना लिए तो क्या लिए? तो टाइम लैप्स लेंगे वो भी मेरे अंदाज कैसे। ट्रैक करने से एक बात याद रखना, मतलब कभी भी आओ ट्रैकिंग पे या कहीं माउंटेन्स पे जाओ कहीं पा, तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना, कभी चप्पल पहन के मत चल जाना। ऑलवेज वेयर अ शूज़, क्योंकि शूज़ तुम्हें उस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं जो चीज़ तुम्हारे पैरों के लिए हार्मफुल है, लाइक पत्थर्स हो गए, कांटे कंकड़ जो होते हैं ना वो बहुत चुभते हैं ऐसे जगह पर, तो ये बात ध्यान में रखना और शूज़ ज़रूर पहन लेना। रोड यहाँ का जो है ना सीन ऑसम है, लाइक एकदम फाड़ू। वेट अब मेरे अंदाज में देखो ये। यहाँ पे ऐसा लग रहा है इतना ब्यूटीफुल हो रखा है ना वहाँ पर, मतलब ऑसम है यहाँ का। आप अगर बस्तर में हो तो ये सब चीज़ कभी मिस कर ही नहीं सकते। बस्तर एक ऐसा जगह है, मतलब खूबसूरती का इतना अच्छा नज़ारा मिलेगा ना, मतलब दिल को लुभा जाने वाला। भाई देख रहे हो कितना कितना डिफिकल्ट होता है और यू से द ट्रैकिंग इज ईजी, नो ब्रो नो ऐसा नहीं होता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टीज़ होती है। तो ये क्लिप है आधे घंटे के ट्रैक करने के बाद का, आई मीन हमको आधा घंटा हो चुका है हम ट्रैक किए जा रहे हैं, मतलब नीचे नीचे ही जा रहे हैं।
और हमको रूट पता नहीं, और इतनी झाड़ियाँ हैं मां कसम, मतलब फ़ोन भी मैं स्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ, अब खुद स्टेबल नहीं हूँ यार, फ़ोन क्या रखूँगा। अबे तू कैसे जा रहा है अभी नीचे इतना, अभी बहुत बहुत कशमकश के बाद फाइनली हम नीचे आ तो गए। पर मैं कुछ सिनेमैटिक का देख रहा था, बट ये लेना असंभव है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। मैं यहाँ से जाऊँ भी कैसे, मतलब यू नो, अगर मैं यहाँ से जाता भी हूँ तो वापस ऊपर आना मुश्किल है मेरे लिए। सो आई होप कि मौसम भी ख़राब हो रहा है, देख लो, तो होप यहाँ का ट्रैकिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। मेरा दोस्त अभी नहा रहा है, उसको देख रहे हो, मैन वर्सेस वाइल्ड को देख रहे हो, देख रहे हो, शौक चौक अपनी अपनी चीज होती है। पानी भी खत्म हो गया और यहाँ बुरी तरह से फंसे हैं, तो को बोला था उधर से जाते हैं। सॉरी ब्रो, अब काम कर, काम करते यहाँ से हासिल ढूंढना पड़ेगा। लिटरली बॉस हालत ख़राब हो गई, थोड़ी ऊपर चढ़ के हमें संघर्ष के बाद ये रास्ता मिला। भाई बहुत ख़तरनाक है, वीडियो देख रहे हो तो अगर आने से पहले अपने साथ गाइडेंस ज़रूर लेके आना, मतलब एक वो जो अच्छे से गाइड कर सके आप लोगों को और सही ट्रैक दिखा सके। लाइक लिटरली ऊपर अगर तुम लोग देखो तो बहुत सही जगह है, बट सुकून यहीं मिलता है। वी कैन फील मैन वर्सेस वाइल्ड। हाँ, ये एक तरीके से मैन वर्सेस वाइल्ड वाला एपिसोड हो गया है। लाइक शेयर और भर दो यार, तुम्हारे कमेंट थे सब मेरे दोस्तों के ही आते हैं, क्यों करते हो यार तुम लोग, करते भी हो तो सही से करो, सही से करा करो यार, क्यों कॉपी पेस्ट करते हो, दिल से बुरा लगता है।